नहीं लग रहा है, पर इसका भी खूबसूरती कुछ अलग ही है। दिन में यहाँ से काफ़ी गुना ज़्यादा था, पर पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। राइट नाउ आई एम इन शिमला एंड एक्सप्लोरिंग दैट मॉर्निंग। एक्चुअली सुबह की समय है, यहाँ पे निकल के आए हुए हैं तो खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है, तो चलते चलो ब्लॉक कर लेते हैं। और दो भाई भी मिल गए, एक हो गया है, दोनों हैदराबाद से है। भाई अपने नाम बताओ कौन कौन है और आपकी? दोनों हैदराबाद से है ना जी। चलो देखो अपने को इधर का हैदराबाद का भी लोग मिल गए, तो अभी दोस्ती होगा, चले घूमेंगे अपन लोग सब एक साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग वॉक। गाइस जहाँ पे भी जा रहा हूँ ना सुबह के समय, थोड़ा लेट हो गया हूँ, सभी बच्चे लोग निकल गए स्कूल वगैरह जाने के लिए, अपन थोड़ा आराम से निकले, अपन बच्चे रहे नहीं तो निकल गए आराम से। आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, इनके देख रहे हो आगे की वो पहाड़ की जो यानी पर्वत जो श्रृंखला है वो देख सकते हो कितनी मस्त है। और पहाड़ के बीच में बीचों बीच में देखो नीचे वैली में घर भी है कुछ, सबसे मस्त ना वो वाला लग रहा है देखने में, चारों ओर जंगल है बीच में, है ना भाई, मस्त है ना वो जगह। चलिए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं वॉकिंग, आगे मॉल रोड चलते हैं। दिन में कैसा लगता है देखने में देखते हैं सुबह के समय। मैंने की ना अपना पेट की जो अंदर की है पूरा ठंड हो गई है, अगर जाके थोड़े से कॉफ़ी उफ़ी ना पी आ जाए ना तो मज़ा नहीं आएंगे। सबसे हार्ड ब्रोक ये रहा है कि यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ था अभी तक, अगर स्नोफॉल हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहा था। यार सुबह सुबह की अच्छी एक्सरसाइज होगी, इतनी टफ पहाड़ तो है नहीं फिर भी। वाओ लुक एट द व्यू मैन, यार अपने वहाँ पे ऐसे जगह होते हैं ना तो दिन भर हम लोग वहीं पे बैठे रहते हैं, शायद ऐसे ही नज़ारा हर किसी को नसीब नहीं होता है हर बार देखने के लिए। लेकिन अपने को ना ये मसूरी वाला जो अलग ही फीलिंग था वहाँ पे, अपने मसूरी का ब्लॉग में देखा ही होगा, वहाँ पे क्राउड थोड़ा अलग ही था, यहाँ से काफ़ी गुना ज़्यादा था, पर पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं है इतना। शिमला इज़ ए मच फेमस कंपेयर टू मसूरी, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे इतने कम है। आई थिंक अभी स्नोफॉल हुआ ही नहीं इसीलिए शायद ऐसी है। और दिन के समय आपने देखा था यहाँ पे जो क्राउड था वहाँ पे वो भी काफ़ी था यहाँ पे, लेकिन इतनी है नहीं फ़िलहाल, भी अच्छी है ना बस। हाँ जाओ देखते हैं थोड़ा। यार अफसोस है यार स्नोफॉल नहीं मिला अपने को देखने को। चलिए चलते पहले कॉफ़ी पीते हैं, चले भाई चलो कॉफ़ी पीते हैं पहले, कल रात को देख सकते थे अपना ये ओला, रात को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था बिकॉज ऑफ लाइट एंड लाइट वगैरह के लिए। ये रही हमारी झंडा और ओ रही दूर पहाड़ में से निकलते हुए सूरज, मज़ा आ गया यार। अमेजिंग प्लेस सीरियसली, रात को भी जितना खूबसूरत लग रहा था उतना फ़िलहाल तो अलग ही लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है, पर इसका भी खूबसूरती कुछ अलग ही है दिन में। चलते आगे, हम लोग कॉफ़ी के लिए कब से इंतज़ार कर रहे हैं, पर जगह ऐसी है कि हर जगह पे हमें रुकना ही पड़ रहा है। एक व्यू पॉइंट ये भी है, बच्चे लोग पूरा मस्ती में लगे हुए हैं यहाँ।
आई थिंक टूरिस्ट आना चालू हो गए, गाइड्स इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। अपने को तो कोई टूरिस्ट गाइड का ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो अभी आगे कुछ लिफ्ट वगैरह है जिससे कि ऊपर पहाड़ी तक जा सकते हैं, तो देखते हैं क्या सिस्टम है लिफ्ट का यहाँ पे, इन लोगों का किस तरह का सिस्टम रखा हुआ है मालूम नहीं। कल देख रहा था मैं लिफ्ट का, पर कल मूड में था नहीं मैं। बिल्डिंग दिख रही है आपको जागरूक रूप पे? हाँ ऊपर वाला वो अपने को लिफ्ट उधर से। अच्छा वहाँ से उस बिल्डिंग में चढ़ना पड़ेगा क्या? शायद मेरे हिसाब से लिफ्ट उधर से ही है। ठीक है सर। हाँ ओ अभी नहीं खुलेगा ना? अच्छा अच्छा भाई, चाय कॉफ़ी कुछ मिल जाएगा? ठीक कॉफ़ी तो ले लिया। अभी कॉफ़ी के बाद में ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे थे, तो आपने को कोई सुझाव नहीं मिल रहा है क्या खाए ब्रेकफास्ट में? ये सब तो अपने को नहीं जमता, अभी ये सब शाम के टाइम पे खाने का चीज़ होगी। दुकानें खुले नहीं अभी तक इसलिए, नहीं तो कॉफ़ी पराठा कारी रस ये भी बंद है। पराठे के लिए आ गए हम लोग यहाँ पे, ट्राई करते हैं पराठा आज। वाले सर पराठे हमारे पास पराठे है ना? ठीक है अनियन वाले दो पराठा दे दो, ठीक है फिर बटर भी दे देना। उसके बाद में लस्सी लेना है? लस्सी है अलग से, उसका चार्ज होगा। लस्सी लेना है? तीन तीन लस्सी दे देना। हाँ मीठी। फाइनली ब्रेकफास्ट तो हमारी आ गई, हमारी पंजाब वाली जैसे फीलिंग तो दे रहा है थोड़ा सा, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है। वही बटर वाले पराठा, अचार, लस्सी। लस्सी की ग्लास छोटी हो गई यहाँ पे, भाई लोग भी पहली बार ट्राई कर रहे हैं। भाई लोग खा के अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा लग रहा है। हाँ तो चलिए शुरू करते पहले। ठीक लग रहा है क्या भाई लोग? हाँ बेहतरीन है ना? भाई लोगों को बहुत बढ़िया लगा ब्रेकफास्ट। आप लोगों ने दबा के पराठा लस्सी खा लिया, यहाँ पे बहुत सारा स्वीट भी है। अभी तो अभी ट्राई करेंगे क्या गुलाब जामुन? लस्सी भी ज़्यादा हो गया ना, हमें जब मैं दो पराठा मेरे को ले रहा हूँ जाके बस हो गया ना। हाँ हमारे पराठे भी पार्सल हो रही है, अभी और 10 लेके जाना है, बाकी बंदे उधर ही होटल में ट्राई करना यहाँ पे आने से। विजय स्वीट्स पराठा टी स्नैक्स मस्त लगा ना खा के भाई लोगों का, मस्त लगा। एक ये जो लस्सी देखे ना, इसका डबल होते हैं वहाँ पे अमृतसर में, तब सोच लो क्या होगा हालत।